नमस्कार, दैनिक हरियाणा में आपका स्वागत है। पवन कुमार राठौड़ के साथ में। जैसा कि आपको पता है, चुनावी माहौल गर्मा गर्म चल रहा है और वहीं को देखते हुए बहुत सारे प्रत्याशी अपना नामांकन भी दर्ज करने जा रहे हैं और बहुत सारे प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज किया है। उसी कड़ी के अंदर वार्ड नंबर 11 के प्रत्याशी विकास, यहाँ पे डॉक्टर विकास, यहाँ पे उन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे बहुत सारी माताएं बहनें खड़ी हैं, उनके से बात करेंगे। जो विकास के, जो डॉक्टर विकास है, क्या रियल में विकास कर पाएंगे अपने वार्ड का, या किन मुद्दों को लेकर के, या क्या कहना चाहते हैं उनसे? चाहिए सभी का, सभी का आशीर्वाद चाहिए। तो वार्ड नंबर 11 में कौन सी ऐसी जोर से बोलो आप लेकर चल रही हैं, जोर से बोलो, आपको पूरा करना है अगर आपको मौका? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड बताऊं तो हॉस्पिटल वगैरह का हमें जैसे कुछ अच्छा करना चाहिए उसके लिए, और भी गाँव में जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें, स्कूलों से रिलेटेड, शिक्षा के क्षेत्र में आगे जैसे कुछ करेंगे। इससे पहले आप तमाम गाँव में जा चुकी हैं, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? अच्छा, ये जी बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर पहुँचे हैं यहाँ पे विकास जी और मैडम जो डॉक्टर है, इनके समर्थन के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अटेली हल्के के सारे लोगों को नमस्कार करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, अपना समय निकाल के हमारी बात लोगों तक पहुँचाओगे। और जिला परिषद वैसे तो बिना पार्टी बिना उसके होता है, लेकिन मैंने देख के सोच के समझ के उस व्यक्ति को समर्थन देने का वो किया है जो समाज के लिए कुछ कर सके। और मेरी अपनी सोच है कि जो आदमी घर से भरा पूरा होगा वो समाज के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। ऐसे ही MLA के अंदर भी आदमी को भरा पूरा होता है, उसका एक रोब होता है, रुतबा होता है, समाज के अंदर लोगों के साथ संपर्क होता है, उसी आदमी को हमें चुनना चाहिए। जिला पार्षद के अंदर भी ऐसे व्यक्ति को चुने जो अपने घर से सक्षम हो, जनता के लिए समय दे सके। और एक बात कहते हैं ना, घर में शक्कर तो मीठे की वाह वाह, तो एक डॉक्टर तो ऐसा पेशा आज के दिन, हेल्थ की सबको इशू होता है, जो पेशे से दोनों दोनों के दोनों डॉक्टर विकास भी और प्रियंका डॉक्टर हैं, तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मिलेगा, जनता को मिलेगा, पब्लिक को मिलेगा, ज़रूरी नहीं इस वार्ड को, अटेली की जनता को मिलेगा। तो जब भी जरूरत होगी, काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हूँ, इनके विचार देखे, इनके बातचीत करने का ढंग देखा, लोगों के बारे, इनका पेशेंट के बारे, इनका व्यवहार देखा, तो ये सारे चीज देख के मैंने ऐसे ही एकदम कोई ऐसे इमोशनल फैसला नहीं किया। तो मैं सारे इस वार्ड के जितने भी आपके चैनल के माध्यम से मेरे जानने वाले नहीं जानने वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे सुदृढ़, सुयोग और कर्मठ कैंडिडेट को चुने जिससे कि हमारे हल्के की, हमारे इस वार्ड की भलाई हो। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, आप जैसे कि चुनाव में उतरे हैं तो क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच समझ करके आप चुनाव में उतरे हैं? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि सर आप ऐसे कैंडिडेट को चुने जो सर उसकी साफ छवि हो, सर ईमानदार हो, जो और जो फील्ड में आके सर काम कर सके। ऐसा नहीं कि जी वोट ले लिया और फिर 5 साल शक्ल दिखाते नहीं फील्ड में जाके। जी, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके वैसे? सर, हमारा मेन मुद्दा रहेगा सर स्वास्थ्य का, और सर जो गरीब तबके के सर जो लोग होते हैं सर उनसे जुड़ना, सर उनकी जो समस्या होती है सर वहाँ तक कोई नहीं पहुँचता है, जैसे राशन कार्ड हो गया सर, मीटर का कनेक्शन हो गया सर, बैंक से लोन हो गया सर, इन ये समाज सर मेन मुद्दा रहेगा हमारा ये चुनाव का। आपको लगता है कि आपकी प्रगति चुनाव जीत रही है, क्योंकि आप काफ़ी गाँव में, तमाम गाँव में लगे? हाँ सर, सर जैसा सर लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है सर, हमें पूरा विश्वास है कि सर हमें जीत हमारी होगी सर। ये सर पूरा युवा ग्रुप, सारे हमारे जो युवा साथी हैं, सारे हमारे बुजुर्ग बाबा सब हमारे साथ हैं, सभी आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा आप जीत के आओगे आप। ये
जिस तरह से जनता हमेशा एक ही चीज़ देखती है, हमेशा जनता के सामने आते हैं, लोग आते हैं जैसे आपने बताया और 5 साल के बाद में, यानी कि बरसाती मेंढक की तरह आते हैं, उसके बाद में गायब हो जाते हैं, और उनको एक ही चाहिए कि जो गवर्नमेंट जो योजनाएं निकालती हैं जो हमारे लिए, गरीब के लिए, जो लोगों के लिए, गांव क्षेत्र के लिए, क्या वो योजनाएं उन तक पहुंचाने में सक्षम रहेंगे आप? हाँ सर, पहुंचाएंगे सर लोगों के लिए। सर मैं नया नहीं हूँ, मैं सर 8 साल से दिल्ली में सर मैं हॉस्पिटल चला रहा हूँ मैं, और सर लोग मेरी सेवा ले रहे हैं, उन सबको पता कि मेरा कैसा मेरा नेचर है, कैसा मेरा स्वभाव है, लोग मुझे घर तक जानते हैं अच्छे से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा मेरा व्यवहार है, मुझे मेरे व्यवहार और जो मेरा काम का तरीका है उसके बेस पे वोट दें, ना कि कुछ और देखें। डॉक्टर मैडम जो है इनके समर्थन में आप पहुँचे हैं, तो क्या सोच समझ करके आप समर्थन में यहाँ पे पहुँचे हैं? मैंने इनके समर्थन में इसलिए नहीं आया हूँ, मैं इनके व्यवहार और जो ये सेवा कर रहे हैं 7 साल से रेगुलर लोगों की, जो निःशुल्क ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं जिनकी कोई हेल्प नहीं करता उसकी डॉक्टर विकास हेल्प करता है, मैंने इनका विचार और इसके परामर्श देखे और इनकी जो समाज सेवा की जो भावना है उसकी कदर कर कर मैंने डॉक्टर विकास को अपना आशीर्वाद देने का काम किया है। तो क्या आप अनिल पुरोहित जिंदाबाद, अनिल गुरुजी जिंदाबाद, अनिल गुरुजी जिंदाबाद, जिस तरह से साधुवाद आप हैं, आप महंत हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पे डॉक्टर विकास एक जीत हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, विकास डॉक्टर बिल्कुल अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, इनके जो समाज सेवा का जो कार्य है वो आज का नहीं है। लोग बाग चुनाव के दौरान में व्यक्ति को चुनाव लड़ने के बाद भूल जाते हैं, परंतु डॉक्टर विकास जो लोगों के भी 7 साल के दौरान में जो सेवा कर रहे हैं उसी हिसाब से यदि ये जीवन में आगे सेवा करते रहेंगे, अपने इलाके के लोग जनता पार्षद का नाम नहीं जानती परंतु डॉक्टर विकास को 7 साल में जो सेवा की है उसकी वजह से डॉक्टर विकास का लोग नाम जानते हैं। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं जनता एक नया चेहरा भी चाहती है, जनता ये चाहती है कि एक नया चेहरा होना चाहिए, क्योंकि हर बार एक ही व्यक्ति अगर आता है तो एक ही व्यक्ति के आने के बाद में वो कुछ समय के लिए आता है, चुनावी माहौल में आता है, बरसाती मेंढक बन के आता है, उसके बाद में गायब हो जाता है और 5 साल तक जनता तरसती रहती है योजनाओं के लिए और अपने कार्य सिद्ध करवाने के लिए। तो आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।